प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RP स्टडी फीवर में। तो दोस्तों पीटेट 2021 का जो एग्ज़ाम आपको 8 तारीख को हुआ था, ठीक है ना, 8 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था PTET का, उसकी आंसर की मैं इसे वीडियो में लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है PTET के अंदर 50 प्रश्न जो हैं हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उन 50 के 50 प्रश्नों को उत्तर सहित आंसर की मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। PTET का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। उनको 50 में से हिंदी के कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं दोस्तों, वो आपको बताना है वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड में बने रहे, एक एक प्रश्न का सटीक बिल्कुल आंसर बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है सुरभि सुरभि शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। दोस्तों प्रश्नों का क्रमांक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50 के 50 यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लेना। सुरभि सुरभि शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। पहला है देवता और गाय, दूसरा गाय और गंध, तीसरा है गंध और गाय, चौथा है सुंदर और गाय। दोस्तों इसका अगर आपने सी को राइट किया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। दूसरा प्रश्न है मुनि में अप्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। पहला है मौनी, दूसरा है मौन, तीसरा है मूक, चौथा है मुनि। अब देखिए दोस्तों, मुनि में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका बनेगा मौन, ठीक है ना। दूसरे आंसर को जिसने भी करेक्ट किया है बिल्कुल उसका 3 नंबर उसको बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न वाक्य शुद्धि से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है रानी मधुर स्वर में बोला, दूसरा पिताजी ने पुस्तक पढ़ा, तीसरा है बसंत ऋतु अच्छी लगती है, चौथा है सीता और रामा। अब देखिए दोस्तों, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। बसंत ऋतु अच्छी लगती है यही आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है एकल शब्द से रिलेटेड, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहते हैं। आ कवि, आसु कवि, महाकवि, सुकवि। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था दोस्तों, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे अगर आपने आसु कवि को बिल्कुल करेक्ट किया होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न ये भी सिंपल था, सरोज का पर्यायवाची है, ठीक है ना। सरोज का पर्यायवाची है, पहला है कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा सरोवर, चौथा है पुष्प। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया, ठीक है ना, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न है लोकोक्तियों से संबंधित। दोस्तों आपके काफी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना, 3-4 सवाल आपके जो है लोकोक्तियों से पूछे गए थे। छठा प्रश्न है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, लोकोक्ति का अर्थ है। पहला है बहादुरी दिखाना, दूसरा है तिरिया का तेल चढ़ाना, चौथा है हमीर का हट करना, चौथा है दृढ़ प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहते हैं। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा, पहला धूप में चला नहीं जाता, दूसरा चिट्ठी भेजी गई, तीसरा कपड़ा सिया जाता है, चौथा है लड़का दौड़ता है। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट किया है धूप में चला नहीं जाता, यही आपका भाववाच्य का उदाहरण है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवां प्रश्न है जहां शब्द गौण पड़ जाए और अर्थ हो प्रदान, ठीक है ना। जहां शब्द गौण पड़ जाए और अर्थ प्रदान हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। पहला है अभिता शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा लक्षण लक्षणा, चौथा है आर्थिक व्यंजना। कौन सा आपका हो जाएगा राइट आंसर, वही आपको बताना है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जहां शब्द गौण पड़ जाए और अर्थ प्रदान हो, इसका आंसर बताना है दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति बिल्कुल यही परिभाषा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न है दोस्तों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह क्या होगा। कौन सा वाक्य कहलाएगा, पहला संयुक्त वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा विधानवाचक वाक्य। तो दोस्तों मिश्रित वाक्य बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, पहला धनंजय, दूसरा पार्थ, तीसरा कौंतेय, चौथा एकलव्य। ये तीनों आपके जो है अर्जुन के पर्यायवाची, लेकिन दोस्तों एकलव्य तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अर्जुन का नहीं होगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है ठकुराइन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। यह प्रश्न काफी बच्चों का गलत हुआ है, मैं कह सकता हूँ काफी बच्चों का गलत हुआ है। पहला ठाकुर और इन, दूसरा ठाकुर और उन, तीसरा ठाकुर और आईना, चौथा ठाकुर और इन। ये दोस्तों काफ़ी सारे का गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ठाकुर और इसे बड़ी मात्रा कर लीजिए, ये सिमिलर हो गए। यहाँ पे काफ़ी सारों ने ये वाला सही किया है, ठीक है ना, ये वाला सही किया, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। पहला है वाणी, दूसरा शशि, तीसरा भारती, चौथा है शारदा। आप देखिए दोस्तों, वाणी बिल्कुल सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा भी पर्यायवाची है सरस्वती का, लेकिन जो शशि है दोस्तों वो किसका है, वो है चंद्रमा का पर्यायवाची। आपको बता दूँ चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, तो यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से भिन्न शब्द है, ठीक है ना, लिंग की दृष्टि से
बिन शब्द है पहला सभा, दूसरा प्रजा, तीसरा मंडल, चौथा है सरकार। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अब देखिए दोस्तों, मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तीनों जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मंडल जो है आपके पुरलिंग में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, त थ और द वर्णों का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। ये तीनों वर्ण कौन से उच्चारण स्थान होता है इनका? दंत, तालु या फिर कंठ या फिर ओष्ठ, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये सब जो है दंतीय व्यंजन है, ठीक है ना। त थ द ध न, ये पांचों जो आपके दंतीय व्यंजन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। पहला नाना नानी, दूसरा भीम अर्जुन, तीसरा अन्न और जल, तीसरा दही बड़ा। तो दोस्तों ये तीनों आपके जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है, लेकिन दही बड़ा आपका जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न दोस्तों, जो तीनों कालों को देख सकता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। पहला है शिव, दूसरा त्रेता, तीसरा त्रिकालदर्शी, चौथा सर्वज्ञ। अब देखिए दोस्तों, त्रिकाल तीन काल को देखने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। तीनों कालों को जो देख सकता है उसे त्रिकालदर्शी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वे क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, सार्थक कहलाते हैं या फिर निरर्थक कहलाते हैं? तो दोस्तों वे शब्द कहलाते हैं अविकारी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कर्म और क्रम शब्दों का कर्मश अर्थ है, ठीक है ना। पहला किनारा और कांटा, दूसरा काम और सिलसिला, तीसरा सिलसिला और कर्तव्य, चौथा कठोर और संख्या। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्म का अर्थ है यहाँ पे काम और क्रम का अर्थ है सिलसिला, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, वाच्यार्थ से बिन अर्थ का उगमन कौन सी शब्द शक्ति में होता है, ठीक है ना। वाच्यार्थ से बिन अर्थ का उगमन कौन सी शब्द शक्ति में होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो होता है आपका लक्षणा शब्द शक्ति में, ठीक है ना, लक्षणा शब्द शक्ति में होता है बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 20वां है, निम्नलिखित में से बिन अर्थक शब्द है, ठीक है ना। पहला है दानव, दूसरा देव, तीसरा है धनुज, चौथा है सुरारी। अब देखिए दोस्तों, दानव, धनुज और सुरारी ये तीनों राक्षस के पर्यायवाची है, लेकिन देव बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, पहला है ग, दूसरा फ, तीसरा ज, चौथा ठ, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने ज को सही किया, ठीक है ना, च, छ, ज, ज, ये सभी तालव्य व्यंजन है, तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां है, खिलौना शब्द में पड़ती होगा, ठीक है ना, खिलौना शब्द में प्रत्यय है, पहला आना, दूसरा ओना, तीसरा औना, चौथा लोना। तो दोस्तों खिलौना शब्द में औना प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वाक्य लिए उपयुक्त लोकोक्ति हो गई, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। हाथ कंगन को आर सीखा, अंगूठा दिखाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, जूट के पैर नहीं होते। तो दोस्तों हाथ कंगन को आर सीखा, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24वां है, वाक्य का पदक्रम सही कीजिए, यह सबसे सिंपल प्रश्न था। पहला है सब हम जाएंगे, दूसरा हम सब जाएंगे, तीसरा जाएंगे हम सब, चौथा है कोई नहीं जाएगा हम सब। तो देखिए दोस्तों, हम जो है वो कर्ता है, कर्ता सबसे पहले आएगा और क्रिया सबसे बाद में, हम सब जाएंगे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं आपके जो है तद्भव शब्द, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26वां है, अंश का पर्यायवाची नहीं है, पहला पक्ष, दूसरा हिस्सा, तीसरा हरम, चौथा भाग। दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताना 50 में से कितने प्रश्न राइट किए। उम्मीद करता हूं क्योंकि पेपर हिंदी का बिल्कुल सिंपल आया था, तो 40 से ज्यादा प्रश्न आपके ने सॉल्व किए होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरम, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां, बंधन मुक्त का समास विग्रह होगा, पहला बंधन और मुक्त, दूसरा बंधन और मुक्त, तीसरा बंधन से मुक्त, चौथा है बंधन का मुक्त। तो दोस्तों बंधन मुक्त में आपका जो है बहुव्रीहि माफ कीजिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बंधन से मुक्त, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, जो हृदय को पिघला दे कहलाता है, ठीक है ना, एकल शब्द है, जो हृदय को पिघला दे, पहला है हृदयंगम, दूसरा हृदय द्वारक, तीसरा हृदय का, चौथा आत्मीय। तो दोस्तों उसे बोला जाता है हृदय द्रावक, जो हृदय को पिघला दे। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न, काल खपे पन ओखाणा अके लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है ना, काल खपे पन ओखाणा अके लोकोक्ति का अर्थ, पहला काल अमर कहावते अमर, दूसरा काल नश्वर कहावते अमर, तीसरा काल नष्ट कहावत नष्ट, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, काल नश्वर है और कहावते अमर है, यही इसका राइट अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है, पहला धूप और छाया, दूसरा मान सम्मान, तीसरा सफल असफल, चौथा है आस्तिक नास्तिक। अब देखिए धूप और छाया बिल्कुल सही है, सफल असफल बिल्कुल सही है, आस्तिक नास्तिक बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची माफ कीजिएगा विलोम शब्द न होकर समानार्थी है, इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
बता दूं दोस्तों, ये जो पेपर है ना वो 4 वर्षीय पीटेट का जिसने फॉर्म भरा है उनके लिए, 2 वर्षीय के लिए अलग पेपर आया था, 4 वर्षीय के लिए अलग पेपर आया था। ये जो पेपर है वो 4 वर्षीय के लिए है, जिन्होंने 4 वर्षीय पीटेट का एग्जाम दिया है उनके लिए ये पेपर होने वाला है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पहला किताब, दूसरा चंद्र, तीसरा मेगा, चौथा है पुड़िया। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त न होकर पुल्लिंग में प्रयुक्त है, इसलिए यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 32वां है, यथाशक्ति क्रिया विशेषण। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछा गया था लेकिन काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया भी होगा। यथाशक्ति क्रिया विशेषण, पहला परिमाणवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा है कालवाचक। इसका राइट आंसर बता दूं, इसमें जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसने जो राइट आंसर बताया होगा उन सभी का करेक्ट है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बार बार पूछा गया है और वही रिपीट हो गया। देखिए इसका जो सभी आंसर ने राइट दिया होगा, पहला उज्ज्वल, दूसरा उज्ज्वल, तीसरा उल्लंघन, चौथा उन्नति। अब देखिए दोस्तों, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है और ये राइट होगा, ठीक है ना, दोनों ज जो है वो आधे आएंगे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34वां है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन देखिए, क से लगाकर प का जो पांच वर्ग होते हैं, ठीक है ना, क ख ग घ ण, पांच के जो प जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन गलत है, उनकी संख्या जो है वो 25 हो जाएगी, ठीक है ना, 25 जिन्होंने राइट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं का पूछा गया है, पहला आशा, दूसरा कपिला, तीसरा व्यास, चौथा है मित्रता। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुझे लगता है ये दोनों सही होंगे, ठीक है ना, दोनों सही होंगे, कपिला और व्यास, ऐसा मुझे लगता है ये दोनों सही हो सकते हैं, शायद इसमें आपको बोनस भी मिल सकता है, लेकिन आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे तो लगता है ये दोनों जो है आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, पहला और चौथा तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये दोस्तों ये दोनों आपके मुझे लगता है ये नहीं है। आपने कौन सा राइट किया और कौन सा राइट होगा वो कमेंट में आप जरूर बताएगा। अगला प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न, बालू के भीत मुहावरे का सही अर्थ होगा, ठीक है ना, पहला बालू रेत की दीवार, दूसरा बालू की दीवार चुनना, तीसरा किला बनाना, चौथा है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। तो दोस्तों बालू के भीत यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 37वां है दोस्तों, आलोचित शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। आलोचित शब्द में अक प्रत्यय, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मिसप्रिंट हो गया, अक आप कर देना। आलोचित शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, पहला है आलोचना, दूसरा आलोचक, तीसरा है समालोचक, चौथा है समालोचना। तो दोस्तों आलोचित में जब अक प्रत्यय आप जोड़ेंगे उसका बनेगा आलोचक, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38वां है, शुद्धि अशुद्धि से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, पहला है तिरस्कार, दूसरा सन्यासी, तीसरा प्रतियोगिता, चौथा है सीडिया। अब देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता में जो ती पर मात्रा होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी दे रखी है, इसलिए यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39वां है, जो बाएं हाथ से तीर चला सके, बाएं हाथ से तीर चला सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, पहला धनुर्धर, दूसरा तीरंदाज, तीसरा सव्यसाची, चौथा है निशानेबाज। तो दोस्तों बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सव्यसाची बोला जाता है, सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 40वां है, प्रधान का विलोम शब्द होगा, प्रधान का विलोम शब्द, पहला मुख्य, दूसरा खास, तीसरा गौण, चौथा है सरपंच। दोस्तों इसका राइट आंसर बताऊं, प्रधान का विलोम शब्द बिल्कुल गौण हो जाएगा, ठीक है ना, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े 41वां है, हम क्या थे और क्या हो गए वाक्य, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र, तीसरा संयुक्त, चौथा है विस्मयादिबोधक। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको और, तथा, किंतु, परंतु यह शब्द दिख जाए वहां पे आपके देखिए संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है ना, वहां पे संयुक्त वाक्य होता है, सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 42वां देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द आपको छांटना है, पहला स्नातक, दूसरा स्नातकोत्तर, तीसरा है शोधार्थी, चौथा है पटवारी। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों है ये आपकी डिग्रियां है, ठीक है ना, स्नातक, स्नातकोत्तर, शोधार्थी, ये तीनों डिग्रियां है, लेकिन पटवार जो है आपकी एक नौकरी का नाम है, एक जॉब का नाम है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वां है, राम तो जानबूझकर आफत मोल लेता है के लिए उचित लोकोक्ति होगी, ठीक है ना, जानबूझकर आफत मोल लेना, पहला आसमान से गिरा खजूर में अटका, आ बेल मुझे मार, आस्तीन का सांप होना, एक अनार सो बीमार। तो दोस्तों आपने सुना होगा आ बेल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर आफत मोल लेना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44वां है, चीज कम हो और मांगने वाले ज्यादा हो के लिए सही लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी। चीज तो कम है और मांगने वाले ज्यादा है, पहला है ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरा एक अनार सो बीमार, तीसरा ऊंची दुकान फीका पकवान, चोरी का माल मोरी में। अब देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन राइट आंसर बताऊं, एक अनार सो बीमार, यानी कि चीज कम हो और मांगने वाले ज्यादा हो, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 45वां दोस्तों, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, ठीक है ना, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, पहला है अनिर्वचनीय, दूसरा अनन्योपाय, तीसरा अनुपाय, चौथा है अनुपयुक्त। इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना, दूसरे और तीसरे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आपने कौन सा राइट किया वो आपको कमेंट में बताना है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो मेरे हिसाब से अनन्य उपाय हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 46वां है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन तीन है,
ठीक है ना, अक्षय तरह और ये, यही आपके जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन है। इसमें देखिए अक्षय दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क और स मिलने से आपके क्या बनता है, ये बनता है अक्षर, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां समास होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों जहां पे दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जिसने इसको करेक्ट किया उन सभी को 3 नंबर पूरे मिलेंगे। 48 है, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, राजमहल कहते हैं, दरबार कहते हैं, अट्टालिका कहते हैं या फिर कहते हैं अंतःपुर। तो दोस्तों महल के जिस भाग में रानियां निवास करती है अंतःपुर उसे कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदशा शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का पृथक रूप होगा। आपको उपसर्ग और मूल शब्द छांटना है, पहला दूर और दशा, दूसरा दू और दशा, तीसरा दूर और दशा, चौथा है दू और दशा, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों ये जिन्होंने करेक्ट किया होगा उन सभी का गलत है, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। दूरदशा में उपसर्ग और मूल देखे तो दूर इसमें उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द जो है दशा हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पीटेट एग्जाम 2021 में पूछा गया 50वां प्रश्न था, मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया इसमें कौन सा वाच्य है, ठीक है ना, कौन सा इसमें वाच्य है, पहला कर्मवाच्य है, दूसरा कर्तृवाच्य है, तीसरा भाववाच्य है, चौथा है क्रिया। दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया तो इसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, कर्मवाची हो जाएगा, ठीक है ना, कर्मवाची इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों पीटेट 2021 8 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो 50 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, उनके आंसर मैंने आपको आंसर की सहित बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों ऐसी वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेगी, पीटेट से रिलेटेड, बीएसटीसी से रिलेटेड, रीट से रिलेटेड और अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों कितने प्रश्न आपने राइट किए 50 में से वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पीटेट में आपके कितने नंबर बन सकते हैं वो भी आपको कमेंट बताना है, क्योंकि जल्दी मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।